कानपुर देहात के प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय कोहरा मचा जब लंच करने के आधा घंटे बाद बच्चे चक्कर खा कर गिरने लगे। बच्चों को उल्टियां होने लगी, फिर उनका चकराने लगा। महज कुछ ही मिनट्स में बीमार बच्चों की तादाद 100 के भी पार हो गई। जाहिर है इतनी बड़ी घटना के बाद कॉलेज में हड़कंप मचना ही था। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने डग्गा मार वाहनों से बीमार बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के बजाय नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया ताकि किसी अधिकारी को मामले की खबर न लगे। 10 से ज्यादा बच्चों की हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। जिंदगी और मौत के बीच की जंग अब बच्चे लड़ रहे हैं, और हैरानी इस बात की है कि कॉलेज प्रशासन ने बीमार बच्चों के घर वालों तक को इत्तला नहीं की है। प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 150 बच्चे हमें लग रहा है कि आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक कोई पूरी काउंटिंग नहीं है। और इनको फूड पॉइजनिंग जो मुझे अभी लग रहा है, फूड खाने में कुछ ना कुछ इनको पड़ गया, या तो पुराना खाना रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही है, जिसमें से 25 से 30 पेशेंट काफ़ी सीरियस भी हैं। 100 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। मैं यहाँ आया, मैंने पूछा आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन किया है, तो एक लोग बोले यहाँ पे यही मौजे बोले डीएम हमसे खुद ही बात कर लेगा। जब फोन में मेरी बात हुई थी तो पहले उन्होंने छुपाया उस बात को। मैंने कहा बच्चे की मिस कॉल आई थी, बात नहीं हो पा रही है, तो बोले सो रहा होगा बच्चा। फिर मैंने कहा अच्छा वार्डन किसी का नंबर दीजिए, नंबर दिया तब वहाँ मिलाया। मैंने टाइट होकर जब बात की तब उन्होंने बताया कि रजावत हॉस्पिटल में आपका बेटा एडमिट है।